मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपको किसी भी ओवरहेड टैंक की जो कैपेसिटी है, जो किलो लीटर में हम लोग निकालते हैं ना, किलो लीटर में 50 KL, 100 KL या 150 KL या 175 KL इस तरह कैपेसिटी होती है, इसको कैसे निकालते हैं, ये क्या है, पॉपुलेशन से और LPCD से निकलती है। पॉपुलेशन और LPCD, LPCD का मतलब है लीटर पर कैपिटा पर डे, एक दिन में एक व्यक्ति को कितनी पानी की जरूरत पड़ती है, वाटर डिमांड। पिछले वीडियो में मैंने आपको LPCD के बारे में बताया था, जो मैंने 75 निकाला था, एक दिन में एक आदमी को वाटर डिमांड कितनी निकाला था किसी भी रीजन में, 75 लीटर। तो इसी तरह ये वीडियो, आप पिछला वीडियो मेरा ज़रूर देख लीजिएगा LPCD के बारे में। अब इसके आगे टैंक का कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, पहले तो हम देखेंगे कि जिस गांव में हम टैंक बना रहे हैं उसकी, उस गांव में पॉपुलेशन क्या है। जो भी पिछली जो जनगणना हुई है उसके हिसाब से क्या पॉपुलेशन थी। जैसे सपोज एक गाँव की पॉपुलेशन 2011 में 3166 है, तो उसी के हिसाब से पॉपुलेशन कैलकुलेट करने के कुछ अलग अलग मेथड हैं। तो उससे कैलकुलेट करके हमने देखा कि 2021 में कितनी होगी, 3697, 2036 में 4600, 2051 में, 2051 में 5655। अब इसमें क्या है कि हम आज टैंक बना रहे हैं तो हम 2021 को नहीं ले रहे हैं, सीधे हम 2036 को पैमाना मान रहे हैं अपना, 2036 को, और 2051 को भी ना मान के मीडियट, इंटरमीडिएट मतलब बीच वाला एक 2036 का हम कितनी प्रॉब्लम होगी उसको पकड़ के हम टैंक का डिजाइन कर रहे हैं। तो हम मान ले रहे हैं कि 4600 उस गांव की पॉपुलेशन 2036 में 4600 अगर पॉपुलेशन है, उसके लिए हमको जो है टैंक की कैपेसिटी कैलकुलेट करना है। तो LPCD क्या है, पर लीटर पर कैपिटा पर डे कितना है, 75 लीटर। तो हमको क्या निकालना है, एक आदमी के लिए एक दिन का कितना लीटर है, 75 लीटर। तो एक तो 4600 4600 आदमी का के हिसाब से, एक आदमी का 75 लीटर के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 345000 लीटर पर डे, एक दिन में 345000 लीटर पर डे आ गया एक दिन का। अब इसको हम, ये क्या लीटर पर डे है, तो किलो लीटर पर डे में निकालेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 345 किलो लीटर पर डे आ गया। देखिए अब इसको, ये 24 आवर के लिए, एक दिन मतलब 24 आवर के लिए है। अब इसको हम डिटेंशन टाइम क्या निकालते हैं ओवरहेड टैंक का, 12 आवर्स निकालते हैं, मतलब 12 घंटे के लिए हम पानी कितने घंटे देंगे उसको, 12 आवर्स देंगे। एक दिन के लिए 24 आवर्स के लिए इतना है, तो 12 आवर्स के लिए 345 KLD में से 2 का भाग दे देंगे, डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया, 172.5 KLD किलो लीटर पर डे। तो हमें एक दिन में 12 घंटे अगर पानी की सप्लाई देना है उस गांव में, तो इतना किलो लीटर पानी की जरूरत पड़ेगी 12 घंटे में, एक दिन में 12 घंटे सप्लाई देंगे तो 172 को हमने यहां पर राउंड ऑफ करके 175 किया कर दिया है। तो उस गांव के लिए जिसकी पॉपुलेशन 4600 है, उसके हिसाब से अगर हम वहां पर टैंक बनाएंगे तो हमको 175 किलो लीटर का टैंक बनाना पड़ेगा 12 घंटे पानी की सप्लाई देने के लिए। तो मित्रों, ये वाटर इस्टीमेट और ओवरहेड टैंक की कैपेसिटी के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ये वीडियो आपको कैसे लगा अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो और चैनल में बने रहें। अभी इसमें हमारे चैनल में ज्वाइन का भी ऑप्शन आ गया है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।